अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं छोले। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले हमने लिए हैं यहाँ पर आधा किलो छोले, और इसी के साथ साथ हमें कुछ मसालों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले लिए हैं हमने कुछ खड़े मसाले, जिसमें कि हैं 2 से 3 लौंग और काली मिर्च, साथ ही बड़ी इलायची, एक छोटी सी प्याज को बारीक कट कर लिया है, और साथ ही चाहिए हमें कुछ हरी मिर्च। और सूखे पाउडर मसाले में हमें चाहिए यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच रेड चिली पाउडर, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ हमें चाहिए यहाँ पर 2 बड़े चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा धनिया पाउडर, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और साथ ही हमने लिया है यहाँ पे छोले मसाले का पाउडर 1 चम्मच, अदरक थोड़ा सा हमें चाहिए यहाँ पर, प्याज लहसुन का पेस्ट, एक मीडियम साइज़ की प्याज को लेकर के हमने उसका पेस्ट बना लिया है, और इसी के साथ 2 बड़े मीडियम टमाटर लेकर के हमने उसको बारीक कट कर लिया है। आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो चलिए चलते हैं। इसके लिए हमने एक बर्तन में सरसों का तेल लिया है, ये वाले चम्मच से मेजर करके 2 चम्मच के तकरीबन सरसों का तेल लिया है। अब इसमें डालेंगे हम सबसे पहले अपनी प्याज। प्याज से हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे अपने खड़े मसाले और ये मिर्च। इन सबको अच्छे से भूनना है। प्याज को आपको बिल्कुल डार्क गोल्डन कर लेना है, जिसकी वजह से हमारे छोलों में जो है वो एक अच्छा सा कलर आएगा। कुछ इस तरीके से हमें अपनी प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है। अब जो हमारी प्याज का पेस्ट था और सारे पाउडर मसाले थे, उनको हमने सबको एक साथ मिला लिया है और इसमें शामिल कर दिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें इसको अच्छे से भून लेना है। मसाले को अच्छे से भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमारी सब्ज़ी अच्छी बनती है। कर देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। आप चाहे तो यहाँ पर टमाटर पीस कर भी ले सकते हैं, लेकिन हमने ऐसे छोटा छोटा कट करके लिए हैं। अब इसको भूनते हैं तब तक हमारे मसाले से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। देखिए हमारा मसाला यहाँ पर भुन चुका है, ऑयल बिल्कुल सरफेस पर आ चुका है, सेपरेट हो चुका है। इसी तरीके का हमें ये चाहिए था। 5 से 6 मिनट लगे हैं हमें उसको इस तरीके से भूनने के लिए। अब हम इसमें अपने एक सीक्रेट चीज़ ऐड करने वाले हैं, जो कि है चाय की पत्ती का पानी। जी हाँ, इससे बहुत ही प्यारा कलर आता है छोलों के अंदर, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। हमने 2 चम्मच चाय की पत्ती को लेकर के उसको पानी डाल करके उसमें थोड़ा सा उसको बॉईल कर लिया था, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये हमने इसमें मिक्स कर दिया है, 2 मिनट ऐसे ही पकाते हैं। उसके बाद हम ऐड करेंगे अपने छोले जो हमने बॉईल करके रखे हुए थे। अब बारी आती है हमारे इसमें छोले ऐड करने की। तो ये हमने अपने छोले और साथ में पोटैटोज भी थे वो मिक्स कर दिए, ठीक है। अब ये हमें अच्छे से मिक्स करना है इसके अंदर। चलिए इसे कर देते हैं अच्छे से मिक्स। देखिए आप क्या शानदार कलर आ रहा है, बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लग रहे हैं। फ्रेंड्स, 2 मिनट के लिए हमने इसको पका लिया है, अच्छा सा बॉईल आ गया है इसमें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कस्तूरी मेथी, जिसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये देखिए हमने इसमें अपनी कस्तूरी मेथी ऐड कर दी है। हल्का सा मिक्स कर लेते हैं इसको। ये देखिए और हमारे परफेक्ट छोले बनकर के रेडी हैं। इस स्टेज पे आप इसमें नमक टेस्ट कर सकते हैं, अगर कम वगैरह लगता है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो हमारे बहुत ही स्वादिष्ट से छोले बनकर के रेडी हैं, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कमेंट में आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।